हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम एक पुराने कुशन कवर से एक बहुत ही सुंदर सा शॉपिंग बैग बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक कुशन कवर था जिसको कि मैंने इसकी सिलाइयाँ निकाल ली हैं, इसको उधेड़ लिया है। तो वो आगे वाली साइड से कुछ ऐसा है, इसको नीचे एक जो पेपर जो पेस्टिंग पेपर सा होता है वो लगा हुआ है, तो सिलाइयाँ मैंने इसकी निकाल ली हैं। तो इसी का ही हम एक शॉपिंग बैग बनाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है मेरा ये जो कुशन कवर था। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ कि कितने इसकी लेंथ है। तो ये देखो 15 इंच इसकी लेंथ है और 18 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। तो 15 इंच लंबाई है और 18 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये देखो ऊपर से भी इसका 18 इंच है, तो नीचे से हम 18 इंच ही रहने देंगे। और ऊपर वाली साइड से हम क्या करेंगे, 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, देखो इधर से, और दूसरी साइड से भी मैं 2 इंच का निशान लगा लूँगी। और नीचे वाली साइड को हम इसे तिरछा मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तिरछी एक लाइन लगा के इसको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि हैंडल वाली साइड से हमने इसको थोड़ा कम रखना है, थोड़ा इसको ऊपर से नैरो रखना है। तो नीचे से हमारा ये 18 इंच ही रहेगा और ऊपर से हमने 2-2 इंच कम कर लिया, तो 4 इंच हमारा ऊपर से कम हो गया। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास भी ऐसे जैसे कोई कुशन कवर या पिलो कवर पुराने जो हो, वो आप ऐसे ही काम में उनको यूज़ में ला सकते हो। और दूसरी साइड से भी मैं इसको कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो ऐसे मैं इसको दोनों साइड से कट कर लूँगी। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हो, जितना भी आपका आप रखना चाहते हो। नीचे वाली साइड से अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगाऊँगी। इसको सिलाई को उधेड़ लूँगी, क्योंकि ये बना हुआ था, पहले सिलाई इस पर लगी हुई थी ना, तो सिलाई को मैं निकाल लूँगी। इसको बराबर करके हमने रखना है। तो यहाँ से मैं देखो 2x2 का एक बॉक्स बना के दोनों साइड से कट कर लूँगी, एक साइड से भी और नीचे साइड दूसरी साइड से भी। तो 2x2 का मैंने ये बॉक्स बनाया है और अच्छे से बराबर करके हमने इसको कट कर लेना। तो देखो कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इस पर ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप ये मैंने ब्लैक कलर की ली है और इसको मैं क्या करूँगी, उल्टा करके रखूँगी इसके ऊपर। ये देखो ऐसे, ये सीधी साइड से नहीं हमने रखना, सीधी साइड जो है हमारी वो नीचे वाली साइड को आएगी। और ऐसे इसे उल्टा, जिप को उल्टा करके रख के एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने जिप लगाई यहाँ से धागे वगैरह देखो आपको दिख रहे हैं ना, ये निकलेंगे तो जिप में फंसेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा पट्टी लेके इस पे पट्टी लगा देंगे और इसको अंदर वाली साइड को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम इस पे लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं ना। तो हमने एक पट्टी लगा ली यहाँ पे एक्स्ट्रा, जिसके साथ कि इसकी जिप की जो है फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब दूसरे पल्ले पे भी, बैक पे भी मैं ऐसे ही उल्टा करके जिप को लगा दूँगी और पट्टी लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए एक। तो ये दोनों मैंने अटैच कर लिए हैं, ऊपर से मैंने एक सिलाइयाँ भी 2 लगा ली हैं। तो ये देखो यहाँ से थोड़ी सी सिलाई रह गई है, तो ये पट्टियाँ मैंने ये देखो ऐसे लगा ली हैं इसको। अब नीचे वाली साइड से हम इसको उसको हैंडल लगाएंगे ऊपर। तो यहाँ से मैंने रखा इसको 3.5 इंच रखा मैंने, यहाँ से दोनों साइड से 3.5 इंच रख के इसके निशान लगा के इस पर हम हैंडल लगाएंगे। पहले मैंने 4 इंच पे लगाया था, लेकिन 4 इंच से ज़्यादा इसका फिर साथ साथ में आ जाएंगे ना हैंडल, तो 3.5 इंच पे मैंने फिर निशान लगाया। तो 3.5 इंच पे दोनों साइड पे निशान लगा के बराबर करके इस पे मैं हैंडल लगा दूँगी। तो हैंडल मैंने ये जो लिए हैं, इसकी लेंथ मैंने 18 इंच ली है, जो इसकी
लंबाई है वो 18 इंच है। अगर आप कपड़े के हैंडल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने ये दूसरे लिए हैं जो रेडीमेड होते हैं, वो वाले हैंडल मैं इस पर लगाऊंगी। मैंने जिप इस पर ब्लैक कलर की लगाई थी ना, तो हैंडल भी मैंने इस पर ब्लैक कलर के लगा दिए। तो दोनों साइड से बराबर करके हमने हैंडल जब भी लगाने हैं हैंडल पे हमने 3-4 बार मशीन को घुमा लेना है, ताकि हैंडल हमारे पक्के लगें, पक्के अच्छे से स्टिच हो जाएं और ये निकले नहीं। तो 3-4 बार मैंने इसके ऊपर सिलाई घुमा ली है। ये देखो हैंडल हमारे लग गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको उल्टा के ये देखो ऐसे रखे, ऐसे रखेंगे और जिप को ऊपर से बराबर कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगा दूँगी नीचे तक और दूसरी साइड से भी और नीचे वाली साइड पे भी। तो तीनों साइड जो है हम पहले स्टिच कर लेते हैं इसकी। यहाँ से लगाऊँगी सिलाई और एक यहाँ से लगा के साइड पे और एक यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये देखो तीनों साइड मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जो हमने 2x2 के बॉक्स बनाए थे उनको भी हम देखो ऐसे पकड़ेंगे और इनको दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। ये देखो सिलाई के साथ सिलाई हमने मिलानी है अच्छे से बराबर करके। अगर आपने कटिंग बिल्कुल अच्छी बिल्कुल परफेक्ट की होगी तो आपका ये बिल्कुल भी बड़ा और छोटा नहीं आएगा, बिल्कुल बॉक्स आपका बिल्कुल अच्छे से बनेगा। और दोनों साइड से मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और इसको ना मैंने साइड पर इंटरलॉक कर लिया। ये देखो सारे जहाँ पे मैंने सिलाइयाँ लगाई थी ना, सारी साइड पे मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले। अगर आप इंटरलॉक की मशीन आपके पास नहीं है तो आप इस पर एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसको फोल्ड कर सकते हो। जैसे हमने जिप वाली साइड पे पट्टी लगाई है ना, ऐसे ही आप पट्टी लगा सकते हो, ताकि एक तो इसकी मजबूती हो जाएगी और एक ये है कि इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए आप पट्टी भी लगा सकते हो इसके ऊपर, एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी लगा सकते हो। तो मैंने तो इस पर इंटरलॉक कर लिया है। तो ये देखो बैग हमारा जो है बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे एक मेरा ये कुशन कवर जो पड़ा था वो भी मेरा काम आ गया ना, और ये हमारा एक शॉपिंग बैग भी बन के तैयार हो गया। तो ये देखो इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, काफ़ी सुंदर था ये कुशन कवर, तो मैंने इसको फेंका नहीं। तो मैंने कहा इसका शॉपिंग बैग काफ़ी अच्छा बनेगा, तो मैंने इसका जो है शॉपिंग बैग बना लिया। तो इसमें हमने कोई लाइनिंग भी नहीं लगाई है, क्योंकि कपड़ा जो था ना काफ़ी मोटा था, थिक था ये कपड़ा। तो ये बैग हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखो बिल्कुल सफाई से हमारा बैग बन के तैयार हो गया। तो अगर आप कोई कपड़े का बना रहे हो, जैसे कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हो आप, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।